ग्रामीण इलाके का पहला ICSE से मान्यता प्राप्त बाबा फरीद पब्लिक स्कूल, गोवा केरला के अनुभवी स्टाफ के साथ इंग्लिश मीडियम फुली AC में फ्री हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है वडिंगखेड़ा 2 केलियावाली रोड मंडी डब्वाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में 10 जनवरी को नगर परिषद हाउस की एक आम बैठक बुलाई गई थी। इससे नए साल के हाल से ये पहली मर्तबा बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जिसमें विपक्ष में खासतौर पर JJP और कांग्रेस की तरफ से बायकॉट करते हुए यहां पर खूब हंगामा किया गया था। लेकिन अब फिर से शहर के विकास को लेकर, कई मुख्य एजेंडों को लेकर, रणनीति को लेकर नगर परिषद की ओर से अब 25 जनवरी को फिर से आम बैठक बुलाई गई है। मेरे साथ बातचीत के लिए डवाली से चेयरमैन टेकचंद छाबड़ा जी हमारे साथ है। तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। छाबड़ा साहब, सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बनू साहब, थैंक यू। सर, पिछली बार भी हमने देखा कि आपकी पहली ही वो आम बैठक थी जिसमें खूब हंगामा हुआ कि बायकॉट करते हुए जो तमाम MC थे JJP और खास करके कांग्रेस के, वो यहाँ से बायकॉट कर गए। आप क्या वजह मानते हैं कि क्या स्ट्रेटजी में कहाँ कमी रही कि उन लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो एजेंडे आप लेकर आए हैं उनका कोई औचित्य नहीं है, बल्कि वो कोई आपातकाल या धारा 35 के एजेंडे ही नहीं? उस दिन हमारे लगभग सभी पार्षद यहाँ पे पहुंच गए थे। पार्षद बिल्कुल हमारे तैयार थे मीटिंग करने के लिए, पर इनके ऊपर नेता एक था, कांग्रेस नेता था, उन्होंने इनको फोन करके बाहर बुलाया था। वो तो पार्षद बिल्कुल साथ थे, वो तो चाहते थे शहर का विकास हो, परंतु जब ऊपर से कॉल आ गई इनके तो इनकी मजबूरी होगी, इनको बाहर जाना पड़ा। एजेंडे जो थे वो सभी के सामने रखने थे, ये तो कोई है नहीं, वो पर्दे के पीछे थे। इसमें कई ऐसे, जैसे हम सब्जी मंडी वाले जो मेन बाजार वाले या ये सारे मेरे पास आए थे, जो टॉयलेट है, जो लेटरिन बाथरूम है, बहुत पुराना बुरा हाल था, इसकी खस्ता हाल थी। उन्होंने कहा जी हमारी जो ठीक कराओ ताकि हम जो आसानी से बाथरूम या लेटरिन कहीं जाए, हमें दूर जाना पड़ता है। हमने उसी को देखते हुए हमने 35 में डाल दिया था। और फिर हम अपने माननीय DMC साहब से पास गए, सिरसा गए थे, उन्होंने भी हमें लिखित रूप से मांगा था भी हमें लिखित रूप में दे दो, हम आपको मंजूरी दे देंगे, क्यों उसमें 1 महीना 15-20 दिन टाइम लग जाता है। हमने एक दो हमारे मुद्दे और भी थे, जो सफाई कर्मचारी थे इनका भी टाइम पूरा हो गया था। उस स्वास्थ्य विषय DMC साहब से मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें जो आप लेटर दे दो, हमने 35 में इमरजेंसी था, हमने 35 में डाल दिया था। हम जब 35 में ले जाके मंजूरी के लिए वहाँ पे दे आए था, वो हमें मंजूरी के लिए कम से कम 1 महीना लग जाता है। इनको पता लग गया भी ये तो 35 में डालेंगे, इसलिए ये नहीं चाहते थे भी शहर का कोई काम हो, शहर का कोई विकास हो, इनकी नीयत में खोट था। विपक्ष का आरोप है कि पिछले 6 महीनों से आपने कोई बैठक नहीं करवाई, आपने विकास की ओर को ध्यान ही नहीं दिया, हर महीने आपको बैठक बुलानी चाहिए, इस बात पर भी हंगामा हुआ था। क्या स्पष्टीकरण है कि आप बैठक नहीं कर पाए? ऐसे है जी, जब मीटिंग होती है, मीटिंग में सभी जो हमारे ME JE एक्शन EO साहब सभी का होना जरूरी होता है, क्यों पिछले दिनों कभी आदमपुर के चुनाव आ गए थे, कभी जिला परिषद के आ गए थे, कभी पंचायत के आ गए थे, कभी सरपंची के आ गए थे। ये चुनाव का दौर था और इनकी जो हमारे अफसर है इनकी रोज ट्रेनिंग होती थी, कभी ME की होगी, कभी JE की होगी, कभी अपने EO साहब की होगी मीटिंग, ये लगभग बाहर मीटिंगों में रहे। हमें वो जो है ना टाइम बहुत कम मिला ताकि हम मीटिंग बुला देते, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं थी। पहले हमारी मीटिंग ने हमने सभी एजेंडे डाल दिए थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। हमारे जो दो मोटे मोटे इमरजेंसी काम थे वो हमें 35 में डाल के उसकी मंजूरी के लिए हम DMC के पास भेज दिया था। ये तो इन्होंने खाम खाई एक मुद्दा तैयार कर लिया भी हम मीटिंग नहीं होने देते, इसमें कोई वो बात नहीं थी। हमारे पार्षद बिल्कुल सभी तैयार थे, पर ऊपर से इनको जो बेल लगी फिर अक्सर पार्टी के जो है इनको माननी पड़ती है बात। तो छाबड़ा साहब, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आपका ऑफिस में 1.25 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, भाई इसमें धारा 35 ये आपातकाल सिस्टम कहाँ से आ गया? आपके सफाई अभियान के ऊपर आपने 4.85 लाख का है, आपने अधिकृत एक वक्ता को करना था, NGT के मुद्दे पर आपने वकील करना है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें कौन सी आपातकाल स्थिति आ गई कि आप अपने ऑफिस का खर्चा भी इसमें लेकर आ रहे हैं? ये जो ऑफिस आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बिल्कुल हमारे बैठने के लिए जगह नहीं थी। हमारे जो शहरवासी आते हैं, जो भी नगर परिषद में काम के लिए जाते हैं, उनको बैठने की कोई जगह नहीं थी। अब वो आके आराम से बैठते हैं, कुर्सियां यहाँ पे मिलती हैं, चाय पानी मिलता है,
किसी तरह कोई तकलीफ नहीं होती। अगर काम करने में नहीं आधा घंटा 15-20 मिनट लग भी जाते हैं तो आराम से यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। जब यहाँ इनको बैठने की जगह नहीं होती फिर नगर परिषद का उनके करना क्या है? जब काम ही नहीं कोई होगा या इनके बैठने की जगह ही नहीं होगी फिर नगर परिषद की उनकी क्या जरूरत है? ये तो आप सामने देख रहे हो, ये तो है नहीं भी, इसमें काम हुआ ही नहीं भी, हमने वैसे ही एजेंडा डाल रहे हैं, ये काम हुआ है सामने आप देख रहे हो, तस्वीर सामने है। एक जो आप कह रहे हैं जो अपने 4,85,000 वाला वो अपने है वो तो मेरे ख्याल 15-20 हजार के फ्लेक्सिंग जो बोर्ड लगे हुए हैं, बाकी तो जो है ना लेटरिन बाथरूम की जो बुरी दशा थी उसको सुधारने के लिए उसमें खर्च करना था, जो भी उसके कोई टूटी है कोई लेटरिन के बाथरूम की जो भी टूटी बनी है या वो अपने क्या कहते हैं वो अपने वाश बेसिन होगी, ऐसे कई तरह के जो सफाई बारे ध्यान देना था वो हमने वहीं पे खर्च करना था। ये 4,85,000 रुपया जो मेरे ख्याल 5-6-7 है डबवाली में, कोई ये तो है नहीं निरी लूट है इसमें, ये तो टेंडर के थ्रू काम होना था, इसमें कोई वो बात नहीं है, पर जो इन्होंने मुद्दा उठाना था और कोई बात नहीं। छाबड़ा साहब, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं, एमसी उस दिन कह रहे थे कि भाई अगर ये काम करवाने तो आप टेंडर प्रक्रिया क्यों नहीं अपना लेते, आप उसको 35 में क्यों लेकर आते? आपको लगता है कि 35 में लाने से आपका जो टेंडर में टाइम लगेगा या फिर आपके चक्कर काटने पड़ेंगे? क्या आप शॉर्टकट उसका अपना रहे थे आपकी, इसको 35 में ले लिया जाए, क्योंकि पहले ही तमाम जो पावरें एसडीएम के पास ही रही थी 2 साल? नहीं, ये हमारी पावर डीएमसी के पास होती है, हम जो भी एजेंडा यहाँ पास करते हैं वहाँ डीएमसी के पास भेजते हैं, वहाँ हमें मंजूरी लेनी पड़ती है, वहाँ मंजूर होके आ जाता है, फिर उसके बाद हम टेंडर लगाते हैं, इसमें भी 15-20 महीना लग ही जाता है, इसलिए हमने सोचा जब मीटिंग आएगी मीटिंग में ये एजेंडा डाल देंगे ताकि हमें काम जल्दी से जल्दी शुरुआत करा सके, इसमें कोई वो हेर फेर या कुछ भी नहीं है, पर इन्होंने बस क्या ये बनना ही चाहिए था, बनना इन्होंने बना लिया। छाबड़ा साहब, जिस दिन वो बैठक हुई थी आपको लगता है कि अगर एमसी बैठकर आराम से बात करते तो आप हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार थे, अधिकारी आपके साथ बैठे थे, या फिर आते ही उन्होंने सिर्फ बायकॉट पर, आपको लगता है कि किसी साजिश के तहत हुआ था कि हमने बायकॉट ही करना है? उधर हमारे सारे अफसर आए थे, क्यों उन्होंने सवाल जवाब करने थे, हमारे जो भी पार्षद है उन्होंने सवाल जवाब देने थे भी क्यों कैसे मीटिंग नहीं बुलाई या एजेंडा कैसी है, एक दूसरे के राय मशवरा से सारा काम ही होना था। जब उनको पता लगा अफसर सारे ही हैं और एजेंडे भी सारे पास हो जाएंगे, पर इनके वही बात आ गई, वो बिल्कुल तैयार थे पर इनके जो ऊपर से नेता उन्होंने बुला लिया भी आज अपनी मीटिंग नहीं करनी, इनकी नीयत में खोड़ था, इन्होंने मीटिंग करनी नहीं थी। हाँ जी, तो कांग्रेस के साथ जेजेपी भी चलेगी इस बार? तो उनको तो बुखला कर चले ले गए, उनको बेचारे को पता ही नहीं था, कि उनको कहते हैं एक मिनट बाहर आ जाओ जी, बाहर आ जाओ आपसे बात करनी है, वो बेचारे चले गए बाहर, तो उसके बाद उन्होंने वहीं उनको रोक लिया, उनको आने नहीं दिया, उनकी नीयत में खोड़ नहीं था, कांग्रेस वाले के नीयत में खोड़ था। विपक्ष ये कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब प्रधान ये सब लोग हैं, ये ऑफिसर के इशारे पर काम करते हैं और वहां पर सब कुछ गोलमाल है, वो कह रहे हैं कि गड़बड़ जाला हो गया, एनडीसी के नाम पर जो रात को पैसे देता है उसका तो उसकी एनओसी आ जाती है और किसी के काम नहीं। ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, हमें बता दें भी कैसे होता है, पहले का हम कुछ नहीं कहते, जब से हमने ये चार संभाला है चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का हमने चार संभाला है, उसके बाद तो बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा काम होता है, बड़े आराम से यहाँ पे आते हैं, हम जो काम अपने आप चले जाते हैं, जो अपने बाजार वाले आते हैं शहर वाले जो भी आते हैं वो कई बारी तो यहाँ पे हमारे पास आके बैठ के कहते हैं हमारा ये काम नहीं हुआ, हम अफसरों को वहीं पे बुला के या फोन करके उनको कहते हैं इनका काम करो, कई सीधे अफसरों के पास चले जाते हैं और उनके काम होते हैं, कोई ऐसे कोई कागजी कार्रवाई कभी कोई रह जाती होगी फिर तो कोई 24 घंटे लग जाते हैं, नहीं तो काम हाथों हाथी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक या बानना ही है या कोई वो बात नहीं है। आप पहले अक्सर आरोप लगाते थे कि यहाँ पर कांग्रेस समर्थित हमेशा सरकार रहती थी और तब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, आपको लगता है कि इस आपके पहले साल के इस जो आपका दौर चल रहा है आप कितने कामयाब हुए हैं कि यहाँ पर लोगों की सुनवाई, आप जब आप यहाँ पर टाइम देते हैं लोगों के बीच में बैठते हैं, कितना यहाँ पर आसान हो गया है पैटर्न लोगों का काम करवाने का, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता यहाँ पर, आप उस पर पैरवी करते हैं, लोगों को आसानी होती है यहाँ पे? तो कब मैं क्या 100% ही काम साफ सुथरा है, किसी तरह कोई हेरफेर नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, ना कोई ये जो कह रहे हैं ना भी हम एनडीसी के 5-5 हजार देते हैं या तो हमें कोई प्रूफ दे, जो पहले काम हो गए हम उसके बारे कुछ नहीं कह सकते,
अब अगर कोई ऐसी जो भी घटना घटे या कोई ऐसे कोई पैसे का लेन देन करता है, हमें या तो आके बताएं या उनका प्रूफ दें ताकि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। प्रूफ तो कोई है नहीं, वो तो वैसे बहाना ही है भी एनडीसी के पैसे लेते हैं, या तो हमें कोई प्रूफ दे, फिर तो चलो मान भी जाएं भी लेते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। छाबड़ा साहब, आप कहते हैं कि अगर हमने काम कर दिया हाउस में तो कांग्रेस कहती है कि क्रेडिट छाबड़ा साहब इनकी पार्टी ले जाएगी, इस वजह से हमने प्लान तैयार किया है कि हम रोकते ही रहेंगे। अब एक तरफ रोको एक तरफ ठोको, कैसे होगा काम? नहीं, मेरे ये समझ नहीं आती। पहले दो बार कांग्रेस के चेयरमैन बने थे, उस वक्त तो सरकार इनकी थी, जब इन्होंने उस वक्त भी काम नहीं किया, इनके जो पार्षद थे उनको काम चलाने नहीं दिया, तो अब उन्होंने सोचा भी चलो इनेलो वाले हैं भी, चलो हम तो इनकी गर्दन मरोड़ के ये जो है ना धक्के से गलत काम करवा लेंगे, ये कोई है, हम तो अपनी ईमानदारी पर कायम है, हम अपना साफ सुथरा काम करेंगे, किसी तरह की कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे, ना करेंगे, ना कोई पैसे का लेन देन यहाँ पे होगा, जो काम होगा साफ सुथरा होगा, सभी पार्षदों को साथ लेके चलेंगे, जो भी शहर की समस्या होगी हम मिलजुल के दूर करेंगे। आखिरी सवाल है सर, अब 25 तारीख को आपकी बैठक होनी है, आप स्टैंड करते हैं उन्हीं मुद्दों पर फिर से चर्चा होगी जो 35 में आपने जोड़े गए थे, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और वर्क आप उन पर प्रस्ताव लेकर आएंगे, इस बार लगता है कि विरोध नहीं होगा, वो रणनीति नहीं होगी, और आपकी तरफ से किस तरीके की रणनीति रहेगी? हमने 25 जनवरी को मीटिंग बुलाई है, उसमें मेरे ख्याल तो सभी पार्षद यहाँ पे मौजूद होंगे, क्यों पार्षद भी चाहते भी शहर का विकास हो, इसलिए सभी पार्षद होंगे, सभी के राय मशवरे से जो भी हमारे मुद्दे हैं वो मीटिंग में रखेंगे, जो भी एजेंडे हैं सभी को मीटिंग में रख के हम शहर का विकास चाहते हैं, हम शहर का विकास कराएंगे, जो कोई विकास जो कोई ऐसा मुद्दा होगा वो मिलजुल के सुलझा भी लिया जाएगा, उसका कोई ना कोई जैसे कोई दिक्कतें आती होगी तो हमारे पास अफसर बैठे हैं, हम इनकी राय मशवरा लेंगे, हमारे DMC हैं, इनसे राय मशवरा लेंगे ताकि शहर का विकास हो, किसी भी तरह हो शहर का विकास होना जरूरी है, हम सभी चाहते हैं, पार्षद भी चाहते हैं कि शहर का विकास हो, हमें इस बार पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी पार्षद यहाँ पे मीटिंग में मौजूद होंगे। सर, वो मुद्दे तो जहन में आते होंगे, अभी भी शहर में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी की समस्या है, बेसहारा पशु घूम रहे हैं, बंदरों का आतंक है, सफाई व्यवस्था है, मुद्दे तो आपके ध्यान में, आप भूलेंगे तो नहीं, इन पर काम होगा? नहीं, मुद्दे तो वैसे है जी, मान लो पहले बंदरों के टेंडर हो गए थे, बंदर पकड़ने लग रहे हैं, ठीक है ना, इसके बाद हमारी शेरगढ़ के पास 5 किले जमीन है, उसको मैंने पिछले बार बयान दिए थे, उसको भी हम मीटिंग में रखेंगे, वो उसकी 4 दीवारी करके ना जितने शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं सभी को हम वहाँ पे एक नंदीशाला बनाएंगे, वो हम पब्लिक को संस्था जो होगी उनको सौंप देंगे, और जो भी उसके रख रखाव होगा खर्च होगा नगर परिषद का सहन करेगी, और बढ़िया तरीके से जो भी शहर में जितने भी आवारा पशु हैं सारे वहाँ पर ले जाएंगे, किसी एक पशु को भी यहाँ शहर में नहीं घूमने दिया जाएगा, जितने आवारा पशु होंगे सारे उस नंदीशाला में लेके जाएंगे ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, कोई जान माल का नुकसान ना हो, जिससे आदमी भी सुरक्षित हो और जो पशु हैं वो भी एक जगह पर अपना जो है पेट भर के गुजारा कर सकें। लोग कह रहे हैं कि छाबड़ा साहब एक्टिव मोड में कब नजर आएंगे, बहुत सारे काम है शहर में, ट्रैफिक व्यवस्था है, अतिक्रमण है, गलियां नहीं बन पाई, एक्टिव मोड अब शुरू हो गया है, सर्दी भी निकलने वाली है, लोहड़ी के बाद तो खत्म हो जाता है। एक्टिव मोड ऐसे है जी, हमने पीली पट्टी लगानी शुरू की थी, वो 35 में डाली थी और इसमें थोड़ा रोड़ा पड़ गया, वो बीच में काम रुक गया। हमारी तो इच्छा यही है कि शहर को सुंदर बनाएं और जो जगह जगह पे जो है ना बाजार में पीली पट्टी लगाएंगे ताकि लोगों का जो सामान है वो अपने बरामदी तक सीमित हो, उससे बाहर ना आए, अतिक्रमण को रोकना है हमने, और जो रेहड़ी वाले हैं इनके लिए अलग जगह बनाएंगे, जो पार्किंग है जहाँ पे आके कोई साधन है, कोई कार है या छोटे साधन है, वो एक जगह खड़े जाएं, तो इसलिए हमने तो पीली पट्टी ये सारे शहर में लगानी थी पर थोड़ा इन्होंने एतराज किया था, अब हम इसको मीटिंग में दोबारे डालेंगे और सारे शहर को सुंदर बनाएंगे ताकि किसी तरह की कोई आने जाने की या ट्रैफिक कोई दिक्कत ना हो। एक हमारे जो है ना पिछली बार भी मैंने कहा था अंडर ब्रिज की, हमारी जो हम स्टेशन मास्टर से मिले थे, इनके बड़े अफसर भी आए थे और हमारी बातचीत भी लगभग हमारी फाइनल भी हो गई थी,
हमने क्यों, ये 24 घंटे फाटक कलोनी रोड वाला फाटक बंद रहता है, जिसमें आने जाने वाली ये जो मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ये बेचारे खड़े रहते थे, खासकर कलोनी रोड पे जाम लग जाता था। इसकी सुविधा के लिए हमने अंडरग्राउंड एक जो है ना 3-4 फुट का अंडरग्राउंड बनाना था, जिससे मोटरसाइकिल स्कूटर जो है एक तरफ आ सके, दूसरी तरफ जा सके, ताकि इनको जो आसानी हो सके, जो भी हमारे शहरवासी हैं किसी तरह कोई दिक्कत ना आए। एक जो पुरानी बिल्डिंग है, ये कोर्ट कचहरी की है, इसको यहाँ से जो खस्ती हालत में इसको तोड़ के इसके यहाँ पे इस जगह बढ़िया पार्क के जो है बढ़िया पार्क बनाएंगे, ताकि शहर के जो भी हमारे भाई बहन हैं जो आराम से आके पार्क में घूमा करें, और जो भी घूम के जो बच्चे हैं इनके लिए झूले भी लगाएंगे, बच्चों के खेलने के लिए झूले भी होंगे, बढ़िया पार्क बनाएंगे, ताकि जो है सैर बंदा सुबह शाम यहाँ पे आके सैर कर सके, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। मुद्दे तो और भी बहुत हैं। एक हमारे जो पीएनबी बैंक से लेके ये अपने रेलवे स्टेशन से वाल्मीकि चौक आ गया, ठीक है ना, उसकी जो रेलवे की जगह है, हमने रेलवे से मांग की थी कि हमें 15 फुट जगह हमें दे दो, हम जो इसको 10 फुट तो हम रोड के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि आवाजाही साधनों में कोई दिक्कत ना आए, उसके बाद 5-6 फुट हम जो लंबी पार्किंग बनाएंगे, 5-6 फुट की जो चौड़ी होगी लंबाई जिसकी सिरे तक होगी, ताकि जो साधन आएंगे वो घंटा 2-3 घंटे चाहे सारा दिन वहाँ पे खड़े रहें, लंबी पार्किंग होगी, जिससे किसी भी शहरवासी को दिक्कत ना आए। क्यों, उस पर एक तो स्टेशन को साधन जाते हैं वहाँ पे दिक्कत होती है, एक मीना बाजार साथ रह जाता है, वहाँ पे भी जो सामान लेने के लिए आते हैं जो शहरवासी आते हैं बाजारों में जाते हैं, वहाँ भी बहुत दिक्कत होती है, जगह थोड़ी होने के कारण वहाँ पे जाम लग रहता है, इस जाम से छुटकारा पाया जा सके। हम तो शहर की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, पर हम में से भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते भी ये शहर का सुधार कर हो, इनकी नियत में खोट है। हाँ जी, हाँ जी, सर वक्त निकाला चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ डवाली से चेयरमैन टिकचंद छाबड़ा जी, जिन्होंने बहुत बिंदास तरीके से हर सवाल का जवाब दिया है, सीधे तौर पर आरोप कांग्रेस नेता पर भी लगाए हैं कि वो उनकी शहर पर कुछ एक जो विपक्ष के लोग हैं वो यहाँ पर हंगामा उन्होंने किया, बायकाट किया, लेकिन अब निगाहें 25 जनवरी पर लगी है, क्योंकि इस दिन कई एजेंडों पर सहमति होने के आसार है, और इस बार उम्मीद की जा सकती है बिना किसी तनाव हंगामे के इस बार बैठक होगी और शहर के उन रुके विकास कार्यों को गति मिलेगी, और कुछ ऐसे एजेंडे जिनमें करोड़ों रुपये का जो काम होने के आसार प्रस्ताव पास होने के बाद शहर के लोगों को, वो निश्चित तौर पर उनके लिए रास्ते खुलेंगे। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।